अबे यार कोई लड़की है ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो, पूछे कि नहीं पूछे। पूछ लेते हैं यार, यहाँ कोई है भी नहीं, बता सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है बाग? ऐसी क्या हुआ? उठा दो जरा भैया, हो पी लो। ठीक, मुझे लग रहा है कि जैसे बीपी वगैरह लो हो गया तो। यार दादा ही, अच्छा एक काम करो, सुनो मैं आपको मेडिसिन दिलवा देता हूँ। और कहाँ पे बताया आपने? रोहनी कहाँ है, मतलब किस साइड है? अच्छा सुनो, एक काम करता हूँ, आप 2 मिनट बैठो, मैं ना स्कूटी लेके आता हूँ। आप एक काम करो यार, आप 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में स्कूटी लेके आया, ठीक है? आप 2 मिनट बैठो। अरे 2 मिनट रुको सिस्टर, तो देखो पता है क्या, आप बैठे हो रोड में, आई डोंट नो, मेरे को दिख गए तो मैंने हेल्प कर दी, वरना और किस कोई नहीं देखता। मैं भी वही चीज़ कह रहा हूँ भाई, 2 भाई भी गुजरे, कोई पूछ भी सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं, बट कोई नहीं देखता। कोई नहीं, मैं 2 मिनट रुको, मैं आया भाई। सो हेलो जी, वी आर बैक, हो गया तुम्हारा नेदर ब्लॉक के अंदर, तो भाई इसी ब्लॉक के अंदर कैसे हो भाई? सो हियर इज माय गबरू ब्रो एंड हियर इज माय नितिन ब्रो, जो फूकते हैं मेरे से, ठीक है? अब तो गोरा हो गया, फूकना बंद कर दे भाई, कि ये जा रहे हैं एक्चुअली कूड़ा वगैरह फेंकने। अपनी बाइक हमने कर लिया गोल्ड स्टार क्योंकि हम जा रहे रिएक्शन व्लॉग बनाने, और तुम्हारा भाई कच्चे में पहली बार मैंने किया कुछ और तो नहीं। तो भाई गाइस अभी मैं चप्पल उप्पल में हूँ, मैंने शूज़ वगैरह कुछ नहीं पहने, नहाया भी नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक ब्लॉग बना के फटाफट से आ जाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे हेलमेट वगैरह मुँह तो वहाँ दिखाना नहीं है, हेलमेट उतारना नहीं है मतलब। तो अभी भयंकर सांस क्यों छोड़ गई मुझे? हाँ यार, मैं सीढ़ियों पे 2 बार ऊपर चढ़ा, 2 बार नीचे, क्या हाल है भाई? सो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, एंड कोल्ड स्टार्ट अपने कर ली है। कोल्ड स्टार कितनी हुई है भाई अभी तक? 63 इसकी निका। चलो भाई चलते हैं कच्चे में, आज कच्चे में ब्लॉगर आ गए भाई आज, तो यहीं से चल लेते हैं भाई, क्योंकि हमें जाना है ग्राफिक एरा, और मन कर रहा था वेली मारने का, बट सामने अंकल वंकल दिख गए तो वेली शिली करेंगे नहीं। एंड भाई देखते हैं क्या ही रिएक्शन मिलते हैं और क्या रिएक्शन कैप्चर होता है, क्योंकि लास्ट हमने रिएक्शन ब्लॉग बनाया था तो वो लेवल की क्वालिटी और लेवल के रिएक्शन आ रहे थे। खैर जब से भी सीन होगा देख ही लेंगे, अभी यहीं से निकल लेते हैं भाई। अबे यार कोई लड़की है ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो, पूछे कि नहीं पूछे? पूछ ही लेते हैं यार, यहाँ कोई है भी नहीं, शायद वोमिट वगैरह हो रही है भाई इसको। एक्सक्यूज मी सिस्टर, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं आप जाइए। अरे क्या हुआ बता सकते हो? नहीं, नहीं, अरे बता दो सिस्टर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मतलब मैं चला जाऊंगा बट आप वो, अरे अरे बहन मेरे को बताओ तो एटलीस्ट, हुआ क्या, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बता सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है बाग? ऐसी क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या हुआ? हाँ अच्छा अच्छा, तो मतलब तो आपको अभी कहाँ जाना है? मेरे को जैसे तो फ्रेंड के पास जाना था बट उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं उसको फोन ट्राई कर रहा हूं। अभी यहीं से हैं कि कहाँ पे, घर कहाँ है? यहीं पे है अभी तो, मतलब दादी के पास रहती हूं देहरादून में, वहां पे जाना है। अच्छा तो आप एक काम करो, पहले आप बाइक इधर आ, एक मिनट। अरे नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक मिनट कोई बात नहीं, यहाँ बैठो आप, इधर बैठो बाइक पे बैठो, मैं पानी वानी लाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बहन। अरे नहीं मैं चला जाऊँगा इट्स ओके, बट आपकी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पानी एक काम कर देता हूँ ना मैं, पानी अरे यार क्या करूँ, एक काम करो, सुनो आप एक मिनट बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। यार यहाँ पे कहीं शॉप वगैरह है? चलो है, बैठ जाओ आप आराम से बैठ जाओ। भयंकर कैश भी नहीं है मेरे पास, 1 रुपया तक नहीं है, गरीब लोग। यार गर्मी तो नहीं हो रही है ना, सीरियसली क्या ही बताऊँ, गंदा ही सीन हो जाता है भैया। पानी की बोतल होगी? पानी नहीं है? अरे भयंकर क्या ही सीन,
105 वहाँ से ले लेते हैं यार। ओहो भयंकर, क्या ही बताऊँ, गले के अंडे फूट गए थे आज यार। सिस्टर मिल गए, कोई बात नहीं, ब्लॉक तो बन जाएगा, बट ये कि थोड़ी हेल्प कर देते हैं भाई। गर्मी में ना बहुत गंदी हालत हो रही है सीरियसली, बिना क्या ही बताऊँ यार। 10 वाली लेते हैं भैया, पानी की बोतल होगी 10 वाली, 10 वाली पानी की बोतल। अंकल पानी की बोतल है 10 वाली, पानी की बोतल है भैया 10 वाली, 10 वाली है, 20 वाली दे दो, दे देना जरा भैया जल्दी थोड़ा सा। उठा दो जरा भैया, हो भाई जरा एक और निकालना वहां से, फिर से एक भी पानी की बोतल निकालना। ज्यादा चिल्ड भी मत देना भैया, नॉर्मल। हाँ ठीक बहुत है, ओहो, क्योंकि यार उनका बीपी लो आया, ठीक मुझे लग रहा है कि जैसे बीपी वगैरह लो हो गया, तो ज़्यादा चिल्ड भी ठीक नहीं है क्योंकि नुकसान देती है भाई ज़्यादा चिल्ड भी। वो ये क्या जाता भाई, हाथी हथनी थी हाथी कहाँ भाई मुझे एक डायलॉग याद आ गया हाथी से भाई, वो जब लास्ट व्लॉग में जो बोल रही थी पापा का मच्छर, मैंने कहा इतना मोटा मैं तुम्हें पापा का हाथी नहीं दिख रहा। अरे यार, अरे भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रही हो भाई इनकी। लो सिस्टर आप थोड़ा सा, अरे इट्स ओके पी लो आप। अबे यार आप, इतनी गर्मी हो रही है फिर अम्ब्रेला वगैरह लेके आते हैं ना आप, ऐसे क्यों हैं? कोई बात नहीं, बट ये है कि अब आपका घर कहाँ है मतलब? पेट में दर्द हो रहा है, वीकनेस में बीपी लो हो रहा है शायद तुम्हारा। अब एक तो चल गया है ना धूप में से, तो इसलिए भी यार। ई रिक्शा वगैरह है, आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ आप। ई रिक्शा वगैरह है यहाँ पे कहीं? अच्छा एक काम, आप एक तो अच्छे से पानी पी लो, आपने पानी भी नहीं पिया, मुझे दर्द हो रहा है यार दादाई। अच्छा एक काम करो सुनो, मैं आपको मेडिसिन दिलवा देता हूँ। और कहाँ पे बताया आपने रोहनी कहाँ है, मतलब किस साइड है? हाँ किस साइड है, मतलब ये रोहिणी वगैरह किस साइड है? बंसलोम की साइड। अच्छा सुनो एक काम करता हूँ, आप 2 मिनट बैठो, मैं ना स्कूटी लेके आता हूँ, मैं तुम खुद ही मैं ड्रॉप कर दूंगा। अरे कैसे जाओगे यार, आपकी हालत भी नहीं है चलने की, और ई रिक्शा वगैरह मुझे मिल भी नहीं रहा। आप एक काम करो यार, आप 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में स्कूटी लेके आया, ठीक है? आप 2 मिनट बैठो। अरे 2 मिनट रुको सिस्टर, तो देखो पता है कि आप बैठे हो रोड में, आई डोंट नो, मेरे को दिख गए तो मैंने हेल्प कर दी, वरना और किस, कोई नहीं देखता। मैं भी वही चीज़ कह रहा हूँ भाई, 2 भाई भी गुजरे, कोई पूछ भी सकता है कि भाई क्या है क्या नहीं, बट कोई नहीं देखता। कोई नहीं, मैं 2 मिनट रुको, मैं आया भाई, आप बैठो। सो गाइस अब एक काम करते हैं यार, ब्लॉग थोड़ा बाइक में बाद, ब्लॉग थोड़ा बाद में बना लेंगे। और यार मेरा कैमरा भी ऑन ही है, चलो मैं पूछ लूँगा एक बार इनसे, मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट कर लेता हूँ नॉर्मल, की एक हेल्पिंग नेचर चला जाएगा। अगर ठीक है अलाउड करेंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं डिलीट कर दूँगा, दोबारा से अपना ब्लॉग बना लूँगा, कोई इशू नहीं है। बट यार सीरियसली बताऊँ, उनकी भाई लग रहा है, उनकी आवाज़ से ही लग रहा है, फेस देख ही सकते हो भाई ये क्या ही। खैर अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले हैं, तो इनसे स्कूटी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि बाइक भी यहीं पर लगा देते हैं अपनी। तो भाई स्कूटी वगैरह ले लूँ, मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। सो भाई अभी यहाँ से स्कूटी वगैरह तो ले ली है, एंड अभी चलते हैं यार फटाफट से। यार पता है क्या, मेरे को सीरियसली बताऊं, मेरे को ये चीज़ बड़ी ना ऑकवर्ड लगती है, मतलब वहाँ पे 2-3 लोग गुजरे हैं मेरे सामने ही, और भी आए होंगे यार, बट एटलीस्ट कोई लड़की परेशान है, साइड में बैठी है, तो पूछ तो सकते ही हो। आई नो आज का माहौल भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट क्या ही बताऊँ, एंड भयंकर क्या ही व्यू आ रखा है भाई इसमें, कैमरे में कितना लेवल का दिख रहा है ना, सीरियसली बताऊँ पूरा वाइड एंगल दिख रहा है, और इससे भी ज़्यादा वाइड हम कर सकते हैं इसको, बट ये कि क्लियरिटी थोड़ा कम हो जाती है ऐसा मैंने सुना है, अभी देखा नहीं है, तो देख ही लेंगे। बाकी यार इनको पहले छोड़ देते हैं, आई डोंट नो कहाँ पे होगा जो ये बता रहे हैं, बट रास्ता वास्ता पूछ लेंगे। बैठो आप भाई, आपका नाम क्या है वैसे? अच्छा बैठो आप, बैठ जाओगे ना उस पर, देखो ना मैं इसलिए स्कूटी ले गया क्योंकि तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर उस पर बैठा नहीं आता ना सही से,
आप यहाँ नहीं रहते हो, मतलब कहाँ से हो प्रॉपर? अच्छा 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 हाँ गर्मी बहुत हो रही है ना यार। और आप पैदल पैदल ही आ रहे हो तो वहाँ से? अच्छा आपको फ्रेंड के यहाँ पे जाना था? अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, तो फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं। ओह शिट, चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। आप मुझे किधर से जाना है एक बार मुझे फिर आइडिया, कुछ आइडिया बता दो किधर है ये, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं खुद। अच्छा शिमला बाईपास जो म्यू वाला रोड जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो गाइस फटाफट से यार अभी यहाँ से निकल जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं, मिलता हूँ आपको थोड़ी सी देर। अभी मैंने उनको छोड़ दिया है एंड अभी हम जा रहे हैं वापस रूम पे एंड अपना रिएक्शन व्लॉग यार रह गया यार, रिएक्शन व्लॉग बनाना है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई बात नहीं यार, मेरे को रिएक्शन व्लॉग बाद में, सबसे पहले हेल्पिंग है एंड मेरा सीरियसली बताओ बहुत ज़्यादा दिल खुश होगा कि भाई हेल्प कर दी एंड अभी हो रखी है रेड लाइट तो थोड़ा सा रुक जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई क्या ही बताऊँ, सीरियसली अभी मन इतना खुश हो गया। नहीं यार दूसरी चीज़, मैंने एक्चुअली व्लॉग वगैरह बाद में नहीं बनाया, मैंने उनको बाद में बताया, जो बनाया था बना लिया। देन उनकी दादी वगैरह बाहर आई थी मतलब घर से, जैसे कि उनकी तबीयत ख़राब थी तो जैसे बैल वगैरह बजाई, मतलब अच्छे भाई अच्छे घर से है, मतलब हर चीज़ नॉलेजेबल हैं उनके, मतलब घर में पुलिस वगैरह में भी हैं सब लोग, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया एंड बहुत अच्छी बात बोली कि भाई अच्छी बात है आप कर रहे हो। और मैंने अपना चैनल वगैरह का उनको सब कुछ बताया कि ये मेरा चैनल इस नाम से एंड मैं ब्लॉग बना रहा था, इनका मतलब फेस वगैरह आ गया है, शूट हो गई है वीडियो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल देना, ये तो बल्कि अच्छी बात है, आप यूथ को एक मतलब लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि कहीं अगर कोई भी यार लड़की नहीं, चलो कोई आंटी है, कोई भी मतलब लड़का भी अगर कोई आपको मिले एटलीस्ट एक बार पूछो यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तबीयत वगैरह ख़राब तो नहीं है। तो उन्होंने बोला ये तो अच्छी बात है, ये तो बल्कि मतलब पुलिस लाइन से है तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि अच्छा किया। उनकी दादी वगैरह भी, उन्होंने बोला कि घर पे आ जाओ, ये नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा लो, तो वो चीज़ ना, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो उसके बाद बातचीत हुई, बाकी थोड़ा ना वो नॉन में भी निकल गया क्योंकि जहाँ से मैं हूँ तो उधर की साइड से भी हैं वो लोग, क्योंकि मैंने अपना प्रॉपर फिर हेलमेट उतार के मैंने बात बात की, देन मैंने ब्लॉग वगैरह इसलिए नहीं बनाया और फिर अच्छा सा नहीं लगता है, उनसे पूछा भी कि मतलब परमिशन ली मैंने ब्लॉग की कर दूँ अपलोड, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं कर दो। तो बाकी अब थोड़ा नॉन भी निकल गए तो बुला रहे थे, मैंने कहा चलो कभी टाइम लगा तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लड़की की तबीयत ख़राब थी तो उसको भी अपना चैनल वगैरह बताया, मैंने सब बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि इतने अच्छे खासे सब्सक्राइबर एंड फॉलोवर्स हैं। एक्चुअली उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में, तो अगर आगे ब्लॉग अगर मैंने बोला, उसने मेरे को खुद ही बोला कि अगर मैं आपके साथ ब्लॉग बनाऊँ एक आधा या एक कोलैब करके रील वगैरह डाल दूँ इंस्टाग्राम पर, मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, बात बात की दो चार मिनट तो देख ही लेंगे जैसे भी सीन होगा। बाकी अभी तो यार बहुत ज़्यादा दिल खुश होगा क्योंकि यार बहुत हेल्प कर दी, एक हेल्पिंग जब करता हूँ ना मैं, हेल्प करता हूँ किसी के तो बड़ा दिल ना मेरा बहुत खुश होता है, सीरियसली बताऊँ। बहुत दिनों बाद मतलब बहुत दिनों बाद मेरे को कोई मिला, बनाने को मैं स्क्रिप्ट बना लूँ बहुत सारी चीज़ें कर लूँ बट ना अलग ही दिखता है जो चीज़ें होती हैं ना भाई, ऐसा नहीं है मैंने एक दो बनाई है पहले तो कोई बात नहीं यार। तो मैंने खुद से भी अब खुद दिल नहीं करता कि यार स्क्रिप्ट वगैरह बनाने का, अपना रियल जेन्युइन ब्लॉग बनाते हैं जो भी है और रियली रखना है, क्योंकि व्यूज़ थोड़ा भले ही कम आ जाए बट कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे, धीरे धीरे चैनल ग्रो हो ही जाएगा यार, ऊपर वाला करेगा ही। तो भाई और जिसका भी भाई चैनल नहीं चल रहा है, जिसके व्यूज़ कम आ रहे, तो भाई डिमोटिवेशन आई नो है इसके अंदर, क्योंकि भाई हम इतनी मेहनत करते हैं फिर एकदम से मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, व्यूज़ वगैरह नहीं आते। तो भाई अपने आप को मोटिवेट रखो, डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि भाई यहाँ पे रगड़नी पड़ती है एंड इसके अंदर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अब यार अपना ब्लॉग एंड कर दूँ एंड मुझे थोड़ा नीचे काम भी है तो नीचे से ही चलेंगे, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है, ट्रैफिक लग रहा है। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा यार प्लीज़ अगर आपको कोई मिले तो सबकी हेल्प करो एंड सब लोग बनाओ ब्लॉग, हिम्मत मत हारो, जो भी आप बना रहे हो भले ही आपको 10 लोग देख रहे हो, मेरे को भले ही 5,000-10,000 लोग देख रहे हैं बट ये कि एक अपना प्राउड है कि हाँ यार चलो एक अच्छा ब्लॉग बना के मेहनत करके मैं डालता हूँ और वो मेहनत हमेशा रहेगी मेरी। सो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात होती है। मिलता है आपको एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू सबको।